बस्टिंग का क्वेश्चन है 24 नंबर, जिसमें एक फर्म है जिसके पास दो प्रोजेक्ट हैं, उनकी कॉस्ट है 10% और हमको कैश इनफ्लो दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट 70,000 है दोनों प्रोजेक्ट की, हमको नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और IRR निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में देखना है, हमें कैश इनफ्लो दिए हुए हैं तो हमें कैलकुलेशन कैश की हमें नहीं करनी है, जो प्रॉफिट हमें निकालना है, क्योंकि हमें कैश इनफ्लो ही लेना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो हम सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 10% की रेट दी हुई है, लेकिन 10% के हमारे को पीवी फैक्टर नहीं दिए हुए हैं। अगर क्वेश्चन में पीवी फैक्टर नहीं दिए तो उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन में फर्स्ट ईयर के लिए 1.10, 1 अपॉन में 1.10, इससे फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा। सेकंड ईयर में 1 अपॉन में 1.10 की स्क्वायर, थर्ड ईयर में एक और स्क्वायर लगवा देंगे, तो ऐसे करके हम जितने ईयर है उतनी नीचे 1.10 जो भी हमारी रेट है उसके ऊपर उसका स्क्वायर कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स जो है उस हिसाब से हमारी ईयरली डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू करेंगे। इसमें हमें कैश इनफ्लो दिए हुए हैं ईयर वाइज, सबसे पहले 10% हम दोनों का 10% के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 10% डिस्काउंट फैक्टर, उसकी जो वैल्यू है 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621। अब हम कैश इनफ्लो ले लेंगे प्रोजेक्ट एक्स के, 10,000 दिए हुए हैं ऊपर, 20, 30, 45 एंड 60, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी हर एक ईयर की कैश इनफ्लो की, तो उसका टोटल हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 116,135। ये हमारा प्रोजेक्ट एक्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू है जो हमारे प्रॉफिट है उसकी। अब प्रोजेक्ट वाई की 50,000 ऊपर दिए हुए हैं सारे हमारे को, 50,000, 40, 20, 10, 10, देन इसको हम पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10% है इसका भी, तो टोटल हमारा आ जाएगा 106,550। तो ये दोनों प्रोजेक्ट की हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब हमें फार्मूला पुटअप करना है सिर्फ नेट प्रेजेंट वैल्यू का, टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस में इन्वेस्टमेंट। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू हमारी आई है 116,135 हमारी एक्स की है और वाई की है 106,550। इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 46,135 हमारा प्रोजेक्ट एक्स का और प्रोजेक्ट वाई का 36,550। तो ये दोनों हमारे प्रेजेंट वैल्यू आई है प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई की। अब इन दोनों में से प्रोजेक्ट हमें कौन सा एक्सेप्ट करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से हम प्रोजेक्ट एक्स है उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है। दूसरा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, उसका फॉर्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू अपॉन में इन्वेस्टमेंट। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू अपने ऊपर कैलकुलेट कर रखी है, तो प्रोजेक्ट एक्स की है 116,135 टोटल प्रेजेंट वैल्यू अपॉन में इन्वेस्टमेंट अपॉन में 70, तो 1.659 हमारे क्या आ रही है इसकी PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और प्रोजेक्ट वाई की 1.52, तो प्रोजेक्ट एक्स ही हम इसके अंदर लेंगे PI इंडेक्स से भी। अब थर्ड हमारा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR। IRR निकालने से पहले हम क्या करेंगे, पीवी फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं, पीवी फैक्टर कितना इसका पीवी फैक्टर आ रहा है उसी के हिसाब से हम टेबल में चेक करेंगे कि वो पीवी फैक्टर की वैल्यू कौन से डिस्काउंट फैक्टर पे आ रही है। तो सबसे पहले हम जो पांचों ईयर हैं उनका टोटल कर लेंगे, तो दिया हुआ है ऊपर 1,65,000 अपॉन में 5 करेंगे तो 33,000 हमारे पास एनुअल कैश इनफ्लो हम मानेंगे उसका, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ IRR इन्वेस्टमेंट अपॉन में कैश इनफ्लो, तो कैश इनफ्लो हम एवरेज ले लेते हैं 33,000 उनका एवरेज कर लिया हमने, तो 2.121 और Y का 70,000 अपॉन में 26,000 2.692, ये दोनों हमारे पीवी फैक्टर आ गए। अब इन पीवी फैक्टर को हम टेबल में चेक करेंगे, तो टेबल में चेक करेंगे तो आप देखो X का है 35%,
पे जो रेट है 5 साल की 2.22 आएगी टेबल में, और 40% की है 2.035, यानी ये इन दोनों के बीच है 2.12। तो यानी हमारी एक रेट 35 होगी, एक 40 होगी। सेम ऐसे ही वाई का हमारा 2.692 आ रहा है, ये 24 और 25 के बीच में आएगा। तो हमारी दोनों रेटें निकल गई है। अब हम इसे चेक करेंगे क्या ये रेटें हमारी सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम एक्स का देखते हैं, प्रोजेक्ट का। एक्स प्रोजेक्ट में हमें कैश इनफ्लो दिए हुए हैं 35% के हिसाब से, हमारी जो रेट है वो नीचे दी हुई है। यानी आपको अगर नहीं दी क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो जो मैंने ऊपर पहले बताया था। तो 35% के ये वैल्यू दी हुई है फैक्टर की हर ईयर की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारी जो टोटल वैल्यू आई है 57,485 35% से, ठीक है। और 40% से अगर हम उसको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे हर ईयर का, तो हमारे पास आएगी 51,120 रुपये। अब आप इसके अंदर देखो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 70,000। 70,000 हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो जो पीवी फैक्टर की जो दोनों की रेट है उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए एज पर रूल जो हमने पहले बताया कि एक की रेट हाई होनी चाहिए, यानी जो रेट कम है, जो LDR है उसकी रेट क्या होनी चाहिए 70,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और एक की रेट 70,000 से कम होनी चाहिए, तो हमारे जो पीवी फैक्टर है वो करेक्ट है। अब इन दोनों की जो वैल्यू है वो कम आ रही है 70,000 से, मतलब पीवी फैक्टर गलत है, पीवी फैक्टर में गलत है। हमको दूसरा पी फैक्टर चेक करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 70,000 से ज़्यादा आए। और एक अगर हमने लेना है तो हम कम की है तो हम चाहे तो 40% भी ले सकते हैं या 35 भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी 70,000 से कम वैल्यू है। तो हमें ज़्यादा वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट फैक्टर जो कम है उसके पास जाना पड़ेगा, यानी कि जिसकी पी फैक्टर ज़्यादा आए हमारे। तो जैसे जैसे हम 35 से 30, 25 जाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हम चेक कर लेते हैं प्रोजेक्ट एक्स के लिए एक बार 25% की रेट, क्योंकि 25% की रेट हमारे पास है, हमने निकाली हुई है पहले वाई के अंदर। तो 25 के हिसाब से हम इसको चेक करके देख लेते हैं क्या करेक्ट आएगी या नहीं आएगी। ये देख लो प्रोजेक्ट एक्स की हम 25% के हिसाब से CI से मल्टीप्लाई करेंगे तो 74,290 हमारी प्रेजेंट वैल्यू आएगी सभी कैश इनफ्लो की, 74,290, ये 70,000 से अबव है। देन ये हमारी LDR बन सकती है, LDR बन सकती है, क्यों, क्योंकि ये 70,000 से अबव है। और HDR हम चाहे तो 35 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो हम 35 लेते हैं, ज़्यादा कम कैलकुलेशन होगी। तो 35 हम 57,485 हमारी 35 हमारी क्या हो जाएगी, HDR हो जाएगी प्रोजेक्ट एक्स की। इसी हिसाब से वाई की हमने 24 और 25% ली हुई थी ऊपर रेट, डिस्काउंट रेट, उससे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 84,420 आएगा और इसका आएगा 83,220, दोनों 70,000 से अबव है। तो हमें एक क्या चाहिए, एक 70,000 से कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 25% ले लेंगे, एक या 24 जो भी आपको सूटेबल लगे, 25% ले ली मान के चलो। और एक कम रेट हम किसकी लेंगे, कम रेट कब होगी, जब जो वैल्यू है वो ज़्यादा जाएगी, वो वैल्यू 70,000 से ऊपर होनी चाहिए। तो हम 35 एक बार लेके देखते हैं। तो 35 से ये देखो हमने लेके देखा है इसको, 35% के जो डिस्काउंट फैक्टर है वो पुट किए हैं, देन हमारा प्रोजेक्ट वाई में 72,320 आया है, प्रोजेक्ट वाई में 72,320 आया, तो 70,000 से अबव है, तो ये रेट हम ले सकते हैं। अब 40% से भी एक बार कैलकुलेट करके देख लिया, क्योंकि 40% की रेट थी हमारे पास, चाहे 40 या 70,000, 40% की जो रेट है वो अगर हम करेंगे तो 67,840 है, तो ये 70,000 से कम है, तो हम इसे भी ले सकते हैं, चाहे 40% लो चाहे 25% लो, आंसर सेम ही आएगा। तो 40% के हिसाब से भी हमने रेटें निकाल ली हैं। तो इसका हम प्रोजेक्ट वाई में 35% हम लेंगे LDR और 40% हम लेंगे HDR। अब बस हम इसे फॉर्मूले में पुटअप करना है, हमें फॉर्मूला है हमारा LDR प्लस में P1 माइनस में I, P1 माइनस में P2 अपॉन में है इनटू में SDR माइनस LDR।
एक्स का हमने 25% एलडीआर लिया था और 35% हमने एचडीआर लिया था। एचडीआर हमने ये 25% दे रहा और 35% हमने इसमें से ले लिया। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो 25% प्लस में 74,290 जो हमने P1 कैलकुलेट किया था, P1 मतलब में जिसकी वैल्यू 70,000 से ज़्यादा हो वही मानना है, यानी कि जो LDR है वो P1 होगी। माइनस में I जो हमारी इन्वेस्टमेंट है 70,000 अपॉन में वापस P1 माइनस P2 इंटू में 35 माइनस 25, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 27.5% हमारी रेट आ जाएगी IRR की। और सेम ऐसी वाई में 35 और 40% लिया हमने, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 37.5% हमारी IRR आएगी। मतलब अगर हम इस रेट से कैश इनफ्लो जनरेट करेंगे तो क्या होगा, हमारा कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर।